के गृह मंत्री अनिल विज ने राज्य में वैक्सीनेशन की स्पीड पर सरकार और स्वास्थ्य विभाग की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि जब से सरकार ने वैक्सीनेशन को कंपलसरी किया है तब से लोग लगातार वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है। जिस दिन से मैंने अनाउंस किया है एवरेज हमारी 1.5 लाख वैक्सीनेशन रोज होती थी, अब परसों 2,62,000 हुई थी और कल भी उससे भी ज्यादा हुई, तो लोग अब अपने आप आगे आ रहे हैं दूसरा टीका लगवाने। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि दुनिया के कई देशों में कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में सरकार ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर हरियाणा में न सिर्फ वैक्सीनेशन को लेकर नियम कड़े किए हैं बल्कि नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सोशल गैदरिंग को भी 200 तक सीमित कर दिया गया है। ये बड़ी तेजी से ओमिक्रॉन सारे देशों में फैल रहा है, हमारे देश में भी केस बढ़ रहे हैं, तो इसको बचाव के लिए समय रहते कदम उठाना बहुत आवश्यक है। इसलिए एक तो हमने कहा है कि 1 जनवरी के बाद जिसके दोनों टीके नहीं लगे हुए उसको किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाने की इजाज़त नहीं, बाकायदा इसकी चेकिंग की जाएगी और अगर कोई इसकी उल्लंघना करेगा तो इसको कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एक हमने नाइट कर्फ्यू लगाया, रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू है और किसी भी गैदरिंग में 200 से ज़्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी होगी, उसको चेक किया जाएगा अगर कोई उल्लंघना करेगा। कोरोना से निपटने की तैयारियों के साथ साथ अनिल विज को एक और सवाल का सामना करना पड़ा। भर्ती घोटाले पर पूछे गए सवाल पर विज ने कहा कि सरकार की ओर से विधानसभा में मुख्यमंत्री ने जवाब दे दिया है और इस मामले को लेकर कई लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सरकार ने विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने सारा जवाब दिया और विपक्ष के सामने जो जवाब है कार्रवाई हो रही है, किसी को भी पूछा ये मुख्यमंत्री जी ही बता सकते हैं, उसके सिवा कोई नहीं बता सकता। बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से अनिल विज ने भी कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि राज्य में कैबिनेट विस्तार पर सीएम ही जवाब दे सकते हैं। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।